पठानकोट सब्जी मंडी दे विच लगाई गई यूजर चार्जिस पर्ची दा मसला हुण कोर्ट दे विच पहुंचा है, जिस तो बाद भाजपा दे जिला प्रवक्ता योगेश ठाकर दे वल्लों इस सारी कानूनी कार्रवाई दे विच अहम रोल अदा किया जा रहा है, जिस दे चलदे पिछली सुनवाई दे विच कोर्ट वल्लों अधिकारियों नूं सख्त दिशा निर्देश जारी होए ने। इस इन्हां दिशा निर्देशों के अनुसार कोर्ट ने अधिकारियों नूं मंडी दे विच काम कर रहे रेहड़ी फड़ी वालियां नूं दित्तियां जा रही सहूलतों बारे जानकारी मंगी है, अते नाल ही कोर्ट का कहना है कि जेकर कोई मंडी वाले कोई सहूलत नहीं दी जा रही, जेकर उन्होंने कोची ली गई है क्यों ली गई है तो इसका कारण दसिया जाए, जेकर विभाग वालों नजायज तौर पर कोई परची कट्टी जाती है तो उन्होंने रेहड़ी फड़ी वाल 9% ब्याज के ले गए पैसे वापस करने हो। इस मौके से योगेश ठाकुर अपने भाजपा कार्यकर्ता के नाल सब्जी मंडी विखे पहुंचे, जिथे कि रेहड़ी फड़ी वाल ने उन्होंने बहुत धन्यवाद किया। योगेश ठाकुर ने कहा कि वह इन्ह रेहड़ी फड़ी वाल की लड़ाई पिछले लंबे समय तो लड़ रहे हैं तो इन्हों का हक दवाने लिए वह किसी भी हद तक जाएंगे। उन्होंने कहा कि कोर्ट जल्द ही रेहड़ी फड़ी वाल के हक के फैसला सुनाएगा। उत्त ही रेहड़ी फड़ी वाल के प्रधान के वलों योगेश ठाकुर जी का धन्यवाद किया गया, तो उन्होंने उम्मीद की है कि इतों तक की लड़ाई उन्होंने बहुत वधिया ढंग लड़ी है, तो उम्मीद करते हैं कि वह आने वाले समय के इस लड़ाई में जरूर जितने, तो कोर्ट उन्होंने हक के फैसला सुनाएगी। हुण देखना यह होगा कि अगली सुनवाई के अधिकारियों के वलों की रिपोर्ट पेश की जाती है, तो फैसला रेहड़ी फड़ी वाले हक के आता है जां इन्हां दे खिलाफ। एक तरीक सी साड़ी इसे नाल संबंधित जी शिव शक्ति फड़ी यूनियन वालों केस चल रहा है, कल काफ़ी आराम दिता। यह जी आम आदमी पार्टी की सरकार आई है, यह अपने कहती है भी असं हूँ भी देख रहे हैं पूरे देश दे विच कि भी साढ़े नाल धक्का हो रहा, सानू अधिकार चाहिए, यह अधिकार लैन की लड़ाई तो जाती है, अधिकारों अपने लैना जाती है, तो जड़े अपने फर्ज है लोगों के प्रति आम लोगों के प्रति उन्होंने भुल रही है। इन्हों के दफ्तर के एसी दफ्तर के बैठे के जोड़े अफसर जोड़े नेता है वो आम आदमी पार्टी आम आदमी लोग जोड़े लोगों वास्ते आम लोगों वास्ते की उन्होंने फर्ज है उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का हर एक सिपाही याद कराएगा टाइम टू टाइम। जो आम आदमी पार्टी के नेता तो वो जोड़े बिगड़ैल अफसर जोड़े एसी कमरों के बाहर नहीं निकलते उन्होंने जनता के प्रति की फर्ज है वो असी टाइम टू टाइम भारतीय जनता पार्टी का हर एक सिपाही इन्हों टाइम टू टाइम याद करवाएगा भी इन्हों के फर्ज की है। कल हाई कोर्ट ने बड़ी सख्ती नाल पंजाब सरकार नू लताड़िया, उन्होंने इन्हों कहा भी जड़ी तुसी 100 रुपए की पर्ची लै रहे हो वो किस आधार पर लै रहे हो, तो सब्जी फड़ी यूनियन वालों जड़ा है की सहूलत दे रहे हो वह सानू अंडरटेकिंग एफीडेविट दो, जे इन्हों कोई सहूलत नहीं दे रहे तो तुसी 9% ब्याज इन्हों सू समेत वापस दोगे जोड़े पैसे कट्ठे किए हैं वह इन्हों एफीडेविट दो। यह बड़ा बड़ा एक रिलीफ है, पंजाब सरकार जी है हम अंडरटेकिंग दे जा रही है कि भी असी की सहूलत दे रहे हैं, तो थोड़े माध्यम राही तुसी कैमरे घुमा के वेख लो भी फड़ी यूनियन वालों इन्होंने की सहूलत दी। संघर्ष चलते अज देखो जी पूरे इन्हों तकरीबन 2 महीने हो गए है, यह अन्नी बोली सरकार जी आम आदमी पार्टी का ना लैके बोली बाली जनता गुमराह करके वोटा तो लै गई पर अपने फर्ज जड़े वह भुल गई, वो फर्ज इन्हों याद कराने वास्ते भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह उन्हों का एक एक सिपाही मुस्तैद है। साडे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष जड़े साडे इस पठानकोट के MLA है विधायक है उन्होंने दिशा निर्देश अनुसार असी सारे काम कर रहे हैं। साडे OBC सैल के पंजाब के अध्यक्ष रामपाल विक्की जी साडे नाल लगातार असी प्रयास कर रहे हैं, राजू भाजी साडे इस मंडल के अध्यक्ष है, लगातार असी एक टीम बना के यदि पैरवाई कर रहे हैं, तो अज भरी सभा के असी इन्हों यकीन दवाने फड़ी यूनियन वाले भी भारतीय जनता पार्टी इन्हों इन्हे हक दवा के सह ले। यह लड़ाई खाली असी हाई कोर्ट तक नहीं इतने चलन देनी, असी हाई कोर्ट तो भी जितना असी फड़ी शिव शक्ति फड़ी यूनियन वालों इतने बूथ भी लवा के देंगे, ये जी गुंडा पर्ची है उन्होंने भी बंद करावा। ठीक है, असी शिव शक्ति रेहड़ी यूनियन के नाल आए हैं, वो जड़ा साडा संघर्ष ही पिछले 2 महीने तो वो रंग लाता होया नज़र आ रहा, कोई हाई कोर्ट के कोई भी केस लगाना हो तो उन्होंने साल लग जाते हैं, पर मैं जोड़े उतों के जज साहब ने वो काबिले तारीफ ने कि उन्होंने जोड़े ये गरीब
फड़ी वाले ने उन्हां दी आवाज़ नूं बड़ा जल्दी सुनिया और पिछली तरीक ते भी उन्होंने साड़ी जड़ी फाइल जड़ी है वो एक्सैप्ट कर ली सी उहदे तहत ही हुण जिहड़े कल उन्होंने आर्डर दिते ने कि ये जड़ी सरकार है ये जड़े सैकटरी साहब ने ये जड़ी गुंडा पर्ची जड़ी इन्होंने लगाई हुई है उहदे बारे दस्या जावे कि ये जड़े है फड़ी यूनियन नूं दे की रहे ने क्या उत्थे इन्हां नूं बूथ दे रहे ने शौचालय दे रहे ने लाइट दे रहे ने सफाई की व्यवस्था हैगी है उहदा एफीडेविट कोर्ट ने इन्हां कोल मंग लिया उहदे नाल नाल ही जिहड़े इन्हां कोल 100-100 रुपया जां 80-80 रुपये जिहड़े लै रहे ने हाई कोर्ट ने यह भी नाल कहता कि वह जो जित जाते हैं उन्होंने पैसे विद सूत समेत 9% तुहानूं वापस करने पैणगे सानूं उम्मीद है आने वाली जिहड़ी तरीकां है उस बहुत जल्दी जिहड़ा सानूं इंसाफ मिलेगा और ये जिहड़े फड़ी यूनियन जिहड़ी रेहड़ी वाले नूं बड़ी जल्दी जिहड़े ये सरकार बूथ बना के देगी अगर इत्थे भी साडी जिहड़ी गल नहीं बनदी अगर सानूं उस तों अग्गे भी जाना पिया असीं जावांगे एंड दे हक दी जिहड़ी लड़ाई है वो असीं भारतीय जनता पार्टी माननीय श्री अश्विनी शर्मा जी विधायक पठानकोट और पंजाब दे जिहड़े अध्यक्ष ने वो नाल हो के लड़ रहे ने सानूं उम्मीद है कि असीं जित के आवांगे। संघर्ष जिहा 2 महीने तो चल रहा सीगा उहदा तुहानूं डिटेल दे विच योगेश जी ने रामपाल विक्की जी ने दस दिता लेकिन मैं एक गल जरूर करावांगा कि जिहड़ी सरकारां जिहना अनपलेट सरकार आ जांदियां ने उन्हों का खमाजा जरा पब्लिक भुगतना पैंता है वही खमाजा जरा आम आदमी पार्टी के इतने के मंत्री भी है जे अज तो 25 साल तो कोई पर्ची नहीं लग रही तो इस बार मंत्री भी जो कि दखलदाजी करके कर देंगे काम तो खमाजा 2 महीने नहीं भुगतना पैंता ये आरती यूनियन भी वही परेशान हुई फड़ी यूनियन परेशान हुई जो ठेकेदार आए ना वह भी परेशान हुए हैं वह कारण इको ही रहा कि इन्हों पता ही नहीं है कि 1 करोड़ रुपए की गल सी सारी उन्होंने ये आगे पूरे पंजाब में बेड़ा गर्क कर दिता है ये हाई कोर्ट के जो गए ना सी साड़ी जी टीम गई है योगेश जी ने जिदा टीम में लैके गए ना भारतीय जनता पार्टी पूरा साथ दे रही है ये कारण ही पूरे पंजाब दे विच फायदा होएगा कि जी अनपलेट जी सरकार आ जाती है किसी ने गलती ना सरकार आ चुकी है जिहड़ा खमाजा पूरी पंजाब भुगत रहा इस वेले ना कि एक फड़ी यूनियन भुगत रही है होर भी हिसाब ना तुम वेखोगे हर जगह नाल भुगतन रहे हैं ये खमाजा जिहड़ा भुगतना पिया सानू ये बहुत जल्दी इन्हों खमाजा इन्हों सरकार भुगतना पेगा मैं इन्ना ही कहांगा कि जी फड़ी यूनियन ने जिहड़ा ये उपराला किया इन्हों बहुत जल्द इहदा इंसाफ मिलेगा। धन्यवाद दियां ते भाई अपनी सारिया उम्मीदा जिहड़ियां सी उत्ते पानी फिर गए सी कि असी सारी ये जिन्हें भी फड़ी यूनियन हैगी है साडी इन्होंने सोच लिया कि पर्ची ते हुण लग ही जाऊगी पर साडे BJP कार्यकर्ता ने जिहड़े योगेश ठाकर जी इन्होंने सानू इन्नी उम्मीद की किरण सानू दिखाई एक खुशबू साडे विच फैलाई अपनी कमल की फुल की खुशबू साडे विच फैलाई तो साडा पूरा साथ दिता और सानू ये हाई कोर्ट तक लैके गए और उत्थों पूरी उम्मीद सानू दवाई हैगी है कि ये जिहड़ी गुंडा टैक्स है गए है ये बंद होएगा क्योंकि ये कानून ही नहीं है तो कानून के बरखिलाफ ये टैक्स लग रहा है ये नजायज़ है तो नजायज़ ये सरकार सानू हो नहीं देगी साढ़े नाल इन्हते सानू बहुत ही उम्मीद है इन्हते बहुत भरोसा है और इन्होंने सानू इंसाफ दवाना है सानू ये पार्टी पर पूरा ही विश्वास है। आओ सलारिया जल सेवा फाउंडेशन पठानकोट के मेंबर बनो आने वाले 5 साल तक द वाइट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल पठानकोट तुहाडा फ्री इलाज करेगा कोई 1 रुपया नहीं लगेगा इलाज हार्ट का होए किडनी का होए कोई बड़ी बीमारी होए सारा फ्री होएगा।